नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पिकेट 3 प्रोग्रामर के थ्रू अपने पिक 16F876 कंट्रोलर को प्रोग्राम करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को अपना एक टेस्ट प्रोग्राम लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर MPLAB XID को ओपन करना है और उसके बाद आप लोग यहाँ पर से फाइल पर क्लिक कीजिएगा। फाइल पर क्लिक करके आपको न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी में माइक्रोचिप एम्बेडेड को सेलेक्ट करना है और प्रोजेक्ट्स में स्टैंडर्ड अलोन प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर से नेक्स्ट क्लिक करना है। देन इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपनी डिवाइस को सेलेक्ट करना है। फिलहाल हम यहाँ पर पिक 16 को यूज़ करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया पिक 16F876 और फिलहाल मेरे पास जो चिप है वो ए वेरिएंट है, तो मैंने ए को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको यहाँ पर अपने प्रोग्रामर को सेलेक्ट करना है। तो इनिशियली आप देखेंगे यहाँ पर टूल्स में नो टूल और सिमुलेटर दिखाएगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर शो ऑल पे क्लिक करना है और उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग हमको प्रोग्रामर्स मिल रहे हैं। तो आपको पिकेट 3 को यहाँ से सेलेक्ट करना है और उसके बाद अगेन आप यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपने कंपाइलर को सेलेक्ट करना है। फिलहाल हम यहाँ पर XC8 जो कंपाइलर है उसको यूज़ करने वाले हैं, तो सिंपली आप इसको क्लिक कीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट प्रेस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों को अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है और साथ ही साथ आप अपनी लोकेशन भी यहाँ पर दे सकते हैं। फिलहाल मैंने जो लोकेशन है वो डेस्कटॉप पर सेव की हुई है, आप चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें मैं जो प्रोजेक्ट है उसका नेम टेस्ट देता हूँ और इसके बाद हम लोग इसको यहाँ से फिनिश कर देंगे। इन स्टेप्स को फॉलो करते ही आप लोगों को यहाँ पर लेफ्ट साइड में टेस्ट नाम का जो प्रोजेक्ट है वो मिल जाएगा और इसमें अब आप लोगों को यहाँ पर न्यू सोर्स फाइल को ऐड करना है। तो आप यहाँ पर सोर्स फाइल्स में जाएंगे और न्यू में जाके main.c आपको क्लिक करना है और इसके बाद आप लोगों को अपने प्रोग्राम का नेम देना है। तो मैं इसको भी टेस्ट नाम दे देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से फिनिश कर देंगे। तो इतना करते ही हम लोगों की test.c फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों को अपनी कॉन्फ़िगरेशन बिट्स को सेट करना होगा। उसके लिए आप लोगों को प्रोडक्शन में जाना है और यहाँ से सेट कॉन्फ़िगरेशन बिट जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हम लोगों की 8 कॉन्फ़िगरेशन बिट्स हैं जिनको आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर FOSC जो है इसको HS लेने वाला हूँ और इसके बाद मैं वॉच डॉग टाइमर को अभी ऑफ रखता हूँ और पावर ऑन टाइमर इनेबल जो बिट है इसको भी हम ऑफ रखते हैं। ब्राउन आउट डिटेक्शन को मैं ऑफ रखता हूँ। लो वोल्टेज इन सर्किट प्रोग्रामिंग को भी हम लोग ऑफ रख लेते हैं और बाकी तीनों चीज़ों को भी हम ऑफ रखते हैं। इन कॉन्फ़िगरेशन बिट्स को सेट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करना है और इंसर्ट सोर्स कोड इन एडिटर आपने क्लिक कर लेना है। तो इतना करते ही जो भी हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बिट सेट की थी उसके करस्पॉन्डिंग कोड हम लोगों का जो है यहाँ पर इंक्लूड हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे हम लोगों को दो लाइंस मिल रही हैं हैश इंक्लूड की, तो एक को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसके बाद आप लोगों को अपना जो भी प्रोग्राम है यहाँ पर लिखना है। तो बेसिक सा प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम लोगों ने अपने क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी डिफाइन की है 4 MHz और उसके बाद मेन के अंदर सबसे पहले हम लोग RC1 जो पिन है इसको आउटपुट डिफाइन करेंगे। देन इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर एक इनफाइनाइट लूप है। इस लूप के अंदर सबसे पहले हम RC1 को हाई देंगे, फिर 1 सेकेंड का डिले आप यहाँ पर देंगे, देन RC1 को 0 करेंगे दैट इज लो हम देंगे, देन इसके बाद 1 सेकेंड का अगेन डिले देंगे। तो इससे बेसिकली होगा ये कि आपका RC1 पे कनेक्टेड जो LED होगी वो हर 1 सेकेंड के बाद ऑन ऑफ होती रहेगी। तो ये हम लोगों का बेसिक सा प्रोग्राम है। अब इसको हम लोग यहाँ से बिल्ड करेंगे।
बिल्ड करने के लिए आपको प्रोडक्शन में जाना है और उसके बाद बिल्ड मेन प्रोजेक्ट को आप क्लिक करेंगे। तो बिल्ड हो चुका है हम लोगों का यहाँ पर प्रोग्राम। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर्स होती तो ये सक्सेसफुली बिल्ड नहीं होता और आपके एरर के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होती। तो फिलहाल हम लोग इस कोड को चाहे तो अपने सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रोटीएस में एक स्केच बनाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं हम लोगों ने एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाया है जो कि 4 मेगाहर्ट्ज़ का है और हम लोगों ने यहाँ पर एक रिसेट बटन भी कनेक्ट की हुई है और RC1 के करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पर जो LED को ब्लिंक करना चाहते हैं उसको भी मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो नेक्स्ट, इसके बाद हम लोगों को अपनी हेक्स फाइल को लोड करना है। इसके लिए आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो डेस्कटॉप में है और टेस्ट नाम का हम लोगों का फोल्डर है। इसके अंदर आप जाएंगे, देन DIST के अंदर आप जाएंगे, डिफॉल्ट के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, तो यहाँ पर आपको ये हेक्स फाइल मिलेगी। इसको आपने सिंपली यहाँ से ओपन कर लेना है, उसके बाद ओके प्रेस करेंगे, देन हम लोग यहाँ पर अपने सिमुलेशन को प्ले करेंगे। तो हम लोगों की ये LED जो है वो हर एक सेकेंड के बाद ऑन ऑफ हो रही है अकॉर्डिंग टू द रिटर्न प्रोग्राम। सो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम लोग Pickett 3 के पिन डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। देखिए, आपका जो Pickett 3 है इसमें हम लोगों को 6 पिन्स मिलती हैं। इसमें फर्स्ट पिन जो है ये हम लोगों की रिसेट पिन है, सेकेंड हम लोगों की है VDD, दैट इज ये पिन आपके टारगेट माइक्रो कंट्रोलर को पावर अप करने के लिए है, 5 वोल्ट बेसिकली ये देगी। थर्ड हम लोगों की ग्राउंड पिन है, फोर्थ आपके प्रोग्राम डेटा पिन है और फिफ्थ प्रोग्राम क्लॉक पिन है और लास्ट हम लोगों की जो 6th पिन है ये बेसिकली लो वोल्टेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज होती है। तो नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कनेक्शन बिटवीन Pickett 3 एंड टारगेट माइक्रो कंट्रोलर। तो देखिए, आपका जो Pickett 3 है उसकी फर्स्ट पिन MCLR होती है, इसको हम लोग माइक्रो कंट्रोलर के MCLR के साथ कनेक्ट करेंगे। देन इसके बाद जो 2nd पिन है ये VDD है, तो इसको बेसिकली आप लोग अपने PIC16F876 की 20th जो पिन है इसके साथ कनेक्ट करेंगे। देन इसके बाद जो 3rd पिन है इसको हम लोग 8th पिन और 19th पिन के साथ कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों ही पिन हम लोगों की ग्राउंड है। देन इसके बाद आपकी जो PGD पिन है इसको हम लोग 28th पिन से कनेक्ट करेंगे और PGC जो पिन है इसको हम लोग 27th पिन से कनेक्ट करेंगे। लास्ट हम लोगों के यहाँ पर जो 6th पिन है ये फिलहाल हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि लो वोल्टेज में हम लोग प्रोग्रामिंग अभी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है कनेक्ट करना है Pickett 3 को अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ। सो नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इस प्रोग्राम को हम लोग अपने हार्डवेयर पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले Pickett 3 को कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप से। तो मैं यहाँ पर कनेक्शन कर चुका हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए प्रोडक्शन में जाना है। प्रोडक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पर सेट प्रोग्राम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और इसको कस्टमाइज करेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर से Pickett 3 को सेलेक्ट करना है और देन उसके बाद ऑप्शन कैटेगरीज में जाएंगे आप और यहाँ पर पावर जो है इसको आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग अपने टारगेट डिवाइस को Pickett 3 के थ्रू ही पावर अप करना चाहते हैं, इस वजह से आप लोगों को ध्यान देना है कि ये जो है इसको आप लोग चेक इन कर लेंगे और वोल्टेज लेवल आपने 5 ही सेट रखनी है। इतनी सेटिंग्स करने के बाद आप लोग इसको अप्लाई कीजिए और उसके बाद हम ओके प्रेस करेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको सिंपली यहां पर से अपने कोड को रन करना है। तो जैसे ही आप रन पे क्लिक करेंगे हम लोगों का यहां पर कोड अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। बट यहां पर देखिए अभी नो टूल फाउंड दिखा रहा है, ठीक है। तो आप यहां से क्या कीजिए, इसको शो ऑल कीजिए और Pickett 3 हम लोग यहां पर से सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ओके प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले बिल्ड होगा, उसके बाद हम लोगों का प्रोग्रामर के साथ इसका कनेक्शन होगा और यहाँ पर आपको कॉशन का कुछ मैसेज आ सकता है, तो इसको सिंपली आपने ओके प्रेस करना है।
इतना करते ही देखिए हम लोगों का प्रोग्राम जो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप लोगों का कंट्रोलर यहाँ पर प्रोग्राम हो जाएगा तो वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों के पास यहाँ पर ये मैसेज आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, इसके बाद इसको हम लोग देखते हैं हार्डवेयर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम लोगों की RC1 से कनेक्टेड LED है वो हर एक सेकेंड के बाद ऑन और ऑफ हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।